प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक एक से भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। सुदर्शन गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं के नाम डीआईजी को दिए और आरोप लगाते हुए ज्ञापन में कहा कि क्षेत्र में जब भाजपा के कार्यकर्ता जनसंपर्क करने निकले थे तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। गुप्ता ने डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र को दिए ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर रासुका लगाने की मांग की। दरअसल इंदौर में जनसंपर्क के दौरान भाजपा पार्षद और उनके समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर थाने पर भी हंगामा किया था। डीआईजी ऑफिस पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीआईजी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता अब मामले की शिकायत चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को भी करने जा रहे हैं। अरे ताला लगवा दो, क्या जरूरत है, ताला नहीं लगा दो ना। आप क्या खाना है? खाना खुला रहेगा, सबके लिए खुला रहेगा। लोग अपने कार्यालय पे कुछ कार्यकर्ताओं से इकट्ठे होकर हमारे जो चुनाव का मेन कार्यालय है मोदी जी के नशे वहाँ जा रहे थे। हमारे कुछ कार्यकर्ता गंगानगर में रहते हैं, हम उनको भी लेने के लिए वहाँ गए थे। हम आप इकट्ठे हो जाओ, हम साथ में इकट्ठे होकर निकले। हम लोग जब वहाँ निकले तो संजय शुक्ला जी का जनसंपर्क चल रहा था, उन्होंने हमें निकलने के लिए जगह दी कि आप निकल जाओ। हम जब आगे निकले थोड़ा सा तो आगे योगेंद्र मौर्य और उससे कुछ कार्यकर्ता खड़े थे। हम लोग जैसे गाड़ी हमारी कुछ गाड़ियाँ आगे निकली 2-4-5 और जब मेरी गाड़ी है उन्होंने मेरे पर हमला उन्होंने रोका और मेरे पर हमला कर दिया सीधा। हमारे पीछे कुछ कार्यकर्ता थे अनिल खाटवा जी और ये लोग अशोक उपाध्याय जी, उन पर भी उन्होंने हमला किया और मारने की कोशिश की। घर में जब हमारे घर थे बीच बचाव में घरों में घुसे तो उन्होंने घरों में भी घेर घुस कर मारना चालू किया। तो वो इतने कितने लोग थे और आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 30-35 लोग थे। वो कितने थे? हाँ उस समय संजू भैया वहीं मौजूद थे। वो कितने थे जितने जिन्होंने? कम से कम 20-25 लोग थे, वहाँ खड़े थे 20-25। आप लोग 30-35? हमारे कुछ कार्यकर्ता आगे निकल चुके थे, नहीं वो उस साइड में खड़े थे और योगेंद्र मौर्य और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मारकूट में थी। आज चंदनगर क्षेत्र में दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें शिकायत करने पर तत्काल थाने के द्वारा उसे 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण भी कायम किया गया है। उसी संबंध में एक राजनीतिक दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य तौर पर आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें ऑलरेडी इसमें कार्रवाई हो गई है और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर कोई भी आपराधिक गतिविधि आपराधिक व्यक्तित्व कड़ी कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मार्च किया जा रहा है। लगभग CFPF की यहाँ पे 3 कंपनियाँ आई हैं जो कि लगातार अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं और पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी कोई भी अगर शिकायत आएगी तो पुलिस उससे कड़ी तरह मुख्य रूप से दो राजनीतिक दलों के लोगों के बीच में झगड़ा था, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ इसमें शिकायत आई है उनके खिलाफ पुलिस अपना काम भी किया गया है। इसमें इन्होंने कुछ पूर्व के लोगों को बताया, किसी के बारे में बताया कि पूर्व में ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी ऐसे गतिविधि या पृष्ठभूमि के पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें से एक व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया है, बाकी अभी उसका थाने को उन्होंने निर्देशित किया है कि परीक्षण करें और अगर किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको और ज़्यादा उसमें कार्रवाई। समान तौर पर हर क्षेत्र में जहाँ पर भी किसी तरह की कोई व्यक्ति या किसी भी तरह की कोई उसमें विवाद करने की कोशिश करेगा उस हर क्षेत्र में पुलिस की कार्यवाही और उसमें लगातार दुर्घटनात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो कि किसी भी तरीके से इस तरह के विवाद या इस तरह की शिकायतों से या आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। मतलब इस मामले में भी PI को सख्त कार्रवाई करनी होगी।